तीन साल से आठ साल का बच्चा कोई भी फेल नहीं होगा। 10th+12 खत्म। हर पेरेंट्स अपने बच्चे से पहले कहते थे कि बेटा बोर्ड के एग्जाम सही से देना, क्योंकि 10th पहली सीढ़ी और 12th दूसरी सीढ़ी होता है, यानी कि बोर्ड के एग्जाम 10th और 12th। अगर मैं आपसे बताऊं कि 10th और 12th अब डेमोलिश कर दिया गया है, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 10th और 12th डेमोलिश कर दिया गया है, यानी कि अब बोर्ड की कोई झंझट ही नहीं। एजुकेशन सिस्टम में जो रिफॉर्म आया है 34 साल बाद, वो ऐसा है जिसमें आपको पता चलेगा कि बोर्ड के एग्जाम को हटा दिया गया, यानी कोई 10th नहीं कोई 12th नहीं, यानी कि स्टूडेंट्स टेंशन फ्री। अब बात करते हैं क्या रिफॉर्म आया है, ये रिफॉर्म 34 ईयर्स के बाद आया है। अब बात करते हैं इसके एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट की। 10th+12 खत्म। अब जो आया है नया सिस्टम वो क्या है, 5+3+3+4। तो आपको देखना है कि 5+3+3+4 क्या है। मैं बताऊंगा आपको डिटेल में एक एक चीज़ और इस डेमोनेशन की पूरी पूरी जानकारी आपको दूंगा और एक एक एस्पेक्ट को कवर करेंगे हम इस वीडियो में। पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे देखते रहें पूरे रिफॉर्म को जानने के लिए। तो बात करते हैं इसमें इस पर्टिकुलर पॉलिसीज़ की या फिर इस पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम की। पहले एक मिनिस्ट्री हुआ करती थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, अब उसको डिमोलिश कर दिया गया है। अब यहाँ पे बनाया है पूरा पूरा कोर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि अब इन्वेस्ट करेगा जीडीपी का 6% स्टडीज़ में, 6% ऑफ जीडीपी, जहाँ पहले होती थी 3%, वहाँ अब होगी 6%। तो ये वाकई में एक नया रिफॉर्म है। और इसमें जो 3+5+3+3 का जो सिनेरियो है वो क्या है, अगर बात करें सिनेरियो की, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट से लेके 5 तक के, यानी कि 3 साल से 8 साल का बच्चा कोई भी फेल नहीं होगा, उसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, वो सिंपल असेसमेंट पे बच्चों को पास किया जाएगा, सिंपल असेसमेंट होगा और उससे बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। जो भी एग्जाम होंगे वो आपके होंगे 5th में 8th में और 12th में। अगर यहाँ पे बात की जाए तो 5, 3, 3 और ये जो सिनेरियो है 4 का, ये क्या है यहाँ पर बताऊंगा मैं आपको। 5 मतलब 3 से लेके 8 ईयर्स तक के ओल्ड बच्चे जो है, यानी कि पहले से लेके 5 तक के, वो कोई भी फेल नहीं किए जाएंगे, उन सारे बच्चों को यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट। बात की जाए यहाँ पर जो सेक्शन बांटे गए हैं उसको कहा गया अलग अलग फेज में कहा गया। अगर हम बात की जाए पहले फेज की, तो यहाँ पर जो 3 साल से 8 साल तक के बच्चों को उनको कहा गया फाउंडेशन फेज। और नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पर जो 8 से लेकर 11 तक के बच्चे हैं उनको कहा गया प्री फाउंडेशन फेज, यानी कि प्री प्राइमरी स्टेट। जो नेक्स्ट स्टेट है 3 ईयर की, यानी कि आपकी, उसे कहा गया प्रिपरेटरी स्टेट। और जो उसके बाद 4 साल यानी कि 9 से लेकर 12 तक की आप जो पढ़ाई करेंगे उसे बोला गया सेकेंडरी स्टेज। तो इन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है एजुकेशन सिस्टम को। और बात की जाए यहाँ पर जब आप होंगे प्री प्राइमरी स्टेट में, तब आपको इंटर्नशिप का ऑफर मिलेगा। इंटर्नशिप दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इंटर्नशिप पे मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। इंटर्नशिप का तरीका ये होता है कि जो अब एजुकेशन सिस्टम है वो मोर एस्पेक्ट पे मोर फोकस किया गया बिजनेस के सिनेरियो पे। पहले क्या था, पहले हम लोग जो थे जॉब के पीछे भागते थे, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब हमें यहाँ पर भरपूर जॉब्स मिलेंगे, भरपूर बिजनेस के एस्पेक्ट्स मिलेंगे नए नए। क्योंकि अगर आपको इंटर्नशिप कराया जाएगा तो आपको वहाँ पे मिलेगा स्टाइपेंड। स्टाइपेंड दोस्तों वो रकम होती है जो आपको किसी कंपनी में काम करते दौरान मिलती है, यानी कि जब आप प्री प्राइमरी स्टेट में होंगे तो आप कर सकते हैं इंटर्नशिप, और इंटर्नशिप से आपको मिलेगा स्टाइपेंड, यानी आपको आपकी अर्निंग भी होगी और आपको नॉलेज भी आएगी। यानी अब जो एजुकेशन बेस्ड होगी वो जॉब बेस्ड नहीं, वो बिजनेस बेस्ड होगी। इससे पहले जो शिक्षा पद्धति में जो आपके जो डेमोलिश या फिर जो परिवर्तन हुए थे वो होते हैं 1968 में 1986 में और 1992 में। और अब जो रिफॉर्म हुआ ये काफ़ी लंबे अंतराल के बाद हुआ, 34 ईयर के बाद, तो कई काफ़ी कुछ में बदला गया है। यहाँ पर जीडीपी में काफ़ी कुछ निवेश किया जाएगा, यानी 6 साल। अब जो आपका बिजनेस ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम होगा उसमें आपको जॉब्स की भरमार मिलेगी। तो इस एजुकेशन सिस्टम से कहा जा रहा है कि आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा कि आप बिजनेस माइंड रहेंगे और बिजनेस ओरिएंटेड रहेंगे, यानी कि आप इंटर्नशिप करेंगे जिस भी कंपनी में, आप उस कंपनी के बारे में जानेंगे, वहाँ के वर्क कल्चर के बारे में जानेंगे और स्टाइपेंड भी अर्निंग करेंगे, यानी आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट होने वाला है इससे। अगर बात की यहाँ पर इससे पहले जो रिफॉर्म हुए थे, मैंने बताया आपको पहले भी कि 1968 में 1986 में और 1992 में। अब जो रिफॉर्म हुआ है वो हुआ है 2020 में, जो 2020 से आपका रेगुलेटरी सिस्टम लागू होगा, 2021 से जो नया सिस्टम आने वाला है उससे। अगर बात की जाए जीडीपी का हिस्सा, तो यहाँ तक कि कहा जाता है कि फिनलैंड जो कि सबसे अच्छा इन्वेस्ट करता है अपने जीडीपी में, और सब उसका एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर फिनलैंड जो है वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। अगर बात की जाए यहाँ पर कि कौन सा देश कितना जीडीपी इन्वेस्ट करता है अपने एजुकेशन में, कितना इन्वेस्ट करता है, तो यहाँ आज तक के आपको जानकर शौक होगा कि भूटान भी हमसे ज़्यादा अपने एजुकेशन सिस्टम पर जीडीपी इन्वेस्ट करता है। तो बात की जाए यहाँ पर कुछ बेसिक देशों की, तो यहाँ पर देखने में बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर जो भूटान है वो 7.8% अपने जीडीपी का इन्वेस्ट करता है। भूटान होगा, जिम्बाब्वे होगा, और साथ में यहाँ पर आपका स्वीडन। बात की जाए कोस्टारिका और फिनलैंड की, जो करते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम पर 7%। 6.6% करता है कजाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील। यहाँ पर 5.5% करता है यूके, नीदरलैंड और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। बात की यहाँ पर यूएस की, तो यूएस, मलेशिया, इंडोनेशिया सब करते हैं 5%। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज एन ह्यूज एंड ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। मीन्स जो रेगुलेटरी सिस्टम लागू होगा 2021 से, ये आपके लिए कई सारी उम्मीदें लेके आएगा।
इस बात को बताने के लिए मैं आपको कई सारे वीडियो और भी दूंगा कि मैं एक एक एस्पेक्ट को कवर करूँ। यहाँ पर बताया जाएगा कि आपको काफ़ी सारे बेनिफिट हुए हैं, यहाँ पर आर्ट साइड, साइंस साइड, इस टाइप के सिस्टम से भी छुटकारा मिल जाएगा आपको। अगर आप कोई भी कोर्स में एनरोल करते हैं तो मान लीजिए आपने उस कोर्स को एक साल करा तो आपको एक साल का क्रेडिट मिल जाएगा, दो साल करा तो आपको दो साल का क्रेडिट मिल जाएगा। यहाँ पर मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का नया रूल लाया गया है, मीन्स आप कुछ भी कोर्स को कभी भी छोड़ सकते हैं दूसरे कोर्स को करने के लिए और आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। यानी ये एक ह्यूज रिफॉर्म है आपके लिए। इट इज़ अ बिग एंड बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। जॉब की भरमार होगी, पैसे की भरमार होगी इस एजुकेशन सिस्टम से, तो ये एजुकेशन सिस्टम आपके लिए रियल एक बून है। और मोदी सरकार ने इस चीज़ को कर करके दिखा दिया है कि ये उन्होंने जो रिफॉर्म करा है ये एक ऐतिहासिक रिफॉर्म है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये एक ऐतिहासिक रिफॉर्म है क्योंकि यहाँ पर कई सारे चेंजेस हुए हैं। इससे पहले मेरे जो दोस्त लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं जॉब के सीरीज़ के लिए, जो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो से बने रहें, इस चीज़ को कंटेंट को इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और वीडियोज़ दूँ। और साथ में मैं बताऊँगा आपको कि इस वीडियोज़ के अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्ट्स साइंस साइंस साइड कॉमर्स साइड और बाकी एजुकेशन सिस्टम्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो उस पर बने रहिए, साथ में रहिए मेरे और देखते रहिए ज़ीशान अहमद।